दी ग्रेट इमरान खान, अजीम इंसान, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, अजीम इंसान, सादिक और अमीन इमरान खान, ये उनके जूते पिशावरी, जो खान साहब जो पिशावरी चप्पल डालते हैं ना, ये सारी पीडीएम उन बराबर, वो पिशावरी चप्पल बराबर नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे सर आप? ठीक है? कैसा अल्लाह कैसा? सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मोहतरम, ये बताइएगा, आज का सवाल बड़ा बड़ा मुख्तसर सा है, पाकिस्तान का इस वक्त दिलेर लीडर कौन लगता है आपको? इमरान खान, और तो कोई है ही नहीं यार। आप किसको सही समझते हो? सबको चांसेस दिए हैं, सबके ट्राई किए हैं, कोई भी कोई इंसान नहीं निकला। बस एक ही उम्मीद है यार, सिंपल सी बात है, इलेक्शन करवाओ, बात खत्म करो यार, जो आके बैठ जाएगा बस उसके साथ दे, यही तो सिंपल सी बात है यार। लगता है कि इमरान खान अगर इलेक्शन में आ भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, तो उनको वजीर आजम बनने दिया जाएगा? बामुश्किल, बामुश्किल है, बामुश्किल, लेकिन फिर भी साथ दे रहे हैं आप? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी साथ देंगे यार। एक ही वाहिद ईमानदार लीडर मिला है जिसने हमको एक पाकिस्तान दिखाया, जिसने हमको एक शऊर दिखाया कि आपका हक है इसमें, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी उम्मीद तो हमारी बड़ी है, आ जाए, मुजाकरात हो जाए, बस बात हो जाए, इलेक्शन हो जाए। हमारी यही दुआएं कि हालात बहुत ख़राब है यार, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, हर बंदा परेशान है इस टाइम। आप उरीगा की दुकानदार माशाल्लाह, किसी दुकानदार से पूछ लो और बंदा परेशान है इस टाइम, मुल्क की हालात ही ठीक नहीं है, क्या कह रहे हैं यार। मेरे भाई मुझे ये बताइएगा, आपने वोट इमरान खान को देना है, ऐसी है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस मुल्क में अगर ये कानून पास हो गया, अगर इमरान खान को वोट दोगे तो फांसी की सजा मिलेगी, तब भी देंगे? इंशाल्लाह यार, हम तो तैयार है यार, हम तो पठान लोग है, हम इसीलिए तो तैयार है। बाकी बंदा आपकी जिंदगी बड़ी अजीम है यार। ना इमरान खान से कुछ भी नहीं है बढ़ के, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा सब कुछ है, बस इससे आगे बात ही नहीं है यार। यार ये कैसी मोहब्बत है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप जान भी दे रहे हैं उसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह, जान देने के लिए भी तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है, तैयार है इंशाल्लाह। थोड़ा इस तरफ आए भाई, थोड़ा इस तरफ आ जाए भाई, थोड़ा इस तरफ आ जाए मोहतरम, मोहतरम, अच्छा थोड़ा रश मत डालिएगा, वाम को गुजरने दीजिएगा भाई जान। एक सवाल लेके रहा हूँ आज पाकिस्तानी कौम के पास, ठीक है, 75 साल में पाकिस्तान का दिलेर तरीन लीडर कौन है? सर जिसका नाम लेके पर्चा हो जाता है, जिसका नाम लेके पर्चा हो जाते हैं, और बताएं, दिलेर पर्चा हो जाता है जी सर। अब तो वो चेयरमैन कौन कौन है? वो नाम, तो नाम इमरान खान। वो कहते हैं ना कि यार जब आपके नाम पर जंग लड़ी जाएगी तो ये बुजदिल भी पहले नाइन पे खड़ा रहेगा इमरान खान के लिए। ये बात है कि जब तेरे नाम पे जंग लड़ी जाए, हम जैसे बुजदिल भी पहले सब में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर, पहले सब में बिल्कुल मिलेंगे इंशाल्लाह। के बंदे इमरान खान का साथ देने वालों को देखो किस तरह मान रहे हैं। अगर इमरान खान को वोट देने की सजा ये हो जाए कि आपको फांसी देनी है अगले दिन, मैं पहले वोट जाके देकर आऊंगा, और बताएं, आप पहला वोट देकर? पहले मैं वोट देकर आऊंगा जी सर। और क्या यार इस बंदे में ऐसा? दलेर है, सच्चा है, उसने हमें हर चीज बता दी, करप्शन हर चीज, हर रास्ता बता दिया है कि लोग करप्शन कैसे करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, हर चीज उसने बता दी, हमें तो बाकी लोगों ने नहीं बताया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम ये बताइएगा कि इस मुल्क का दिलेर तरीन लीडर कौन है? वो तो सारे पाकिस्तान को बल्कि पूरे अराउंड द वर्ल्ड को पता है, मुर्शिद इमरान खान साहब है। मुर्शिद इमरान खान साहब है? यस। कैसे दलेर है भाई जान? वो दलेर है, वो अब सारी दुनिया को पता है, सबसे ज्यादा दलेरी वही, उसने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए भाई जान? क्या नहीं किया? ये सवाल उठाती है कि वो डिले कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। नहीं नहीं डिले, ये कोई नवाज शरीफ भगोड़ा थोड़ी है। इमरान खान, दी ग्रेट इमरान खान, अजीम इंसान, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, अजीम इंसान, सादिक और अमीन इमरान खान, ये उनके जूते पिशावरी, जो खान साहब जो पिशावरी चप्पल डालते हैं ना, ये सारी पीडीएम उन बराबर, वो पिशावरी चप्पल बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इमरान खान और का आप दूसरे को मिला रहे हैं यार। अच्छा मुझे ये बताइएगा मोहतरम कि अगर इमरान खान को वोट देने की सजा अगले दिन, अगर आप वोट दें तो आपको फांसी की सजा हो जाएगी, अगर आप इमरान खान को वोट देंगे तो क्या तब भी देंगे? यार हमें तो ये जिस तरह के हालात है, फांसी, ये फांसी से बदतर तो हमारे हालात किए हुए यार पीटीआई के वर्करों को यार, फांसी से बदतर नहीं है। आपके साथ कितनी ज्यादती हुई ये बताया आपको, आपको दिखे नहीं पड़े थे, मैंने आपकी सारी वीडियो, मैं इससे गंदे हालात तो किसी दौर में नहीं थे, माशाल्लाह के दौर में नहीं थे, जितने आजकल के दौर में जिस तरह के हालात है, अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर करम और रहम करे यार, रहम करे। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे जनाब। और तुम जी, आप बहुत ग्रेट हो। अरे थैंक यू यार, आप ना दूसरे इमरान रियाज हो, मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप इमरान रियाज हो, सीरियस कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी, आगे चलेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क का बहादुर तरीन और दलेर लीडर कौन है? एक ही इमरान खान भाई। इमरान खान, सिर्फ इमरान खान बस। कैसे भाई जान? वो अभी तक इधर बैठा है, कैसे खबर तुसी पूछ रहे कैसे भाई जान? उनके पोजीशन कहते हैं जनाब, वो बाहर भागने की डीले कर रहे हैं। पोजीशन दे कई जना, जो तुसी मर्जी कहो ना, कई जना हो ऐ गलत है, आपको लगता मुल्क से नहीं भागेंगे, जो मर्जी हो जाए इमरान खान नहीं जाएगा बॉस। अगर चले गए तो फिर आप छोड़ देंगे उनके साथ? छोड़ देंगे, अगर इमरान खान जाएगा तो फिर छोड़ेंगे, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बॉस, नहीं जाएगा। ये सब पठान भाई खड़े हैं,
साढ़े 15 साल हो गए पठाना दे नाल ओ पठान है बहादुर दिलेर नहीं जाएगा दिलेर है नहीं जाएगा नहीं जाएगा पठान है हां जी ऐसी अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका वोट इमरान खान को है अगर इमरान खानदान का पूरे खानदान का इमरान खान को वोट है अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर आप इमरान खान को वोट दें और ये बिल पास हो जाए कि इमरान खान को जो वोट देगा उसको फांसी की सजा होगी तब भी देंगे फिर भी हाजिर है बॉस फिर भी हाजिर हो फिर भी हाजिर है मेरी जान तुम्हारी जिंदगी बड़ी जरूरी है नहीं कोई जरूरी नहीं किस किस के मरना तो बेहतर है ना एक दफा ही मर जाओ एक दफा ही मर जाओ लेकिन वोट आप जरूर इमरान खान को दें हां जी इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इमरान खान के 8 फरवरी को इमरान खान चले मैं आगे चलूंगा बस तीन खूबियां बता दें आपके इस लीडर की तीन खूबियां क्या है इमरान खान की सच्चा है सच्चा ईमानदार है और बहादुर है जो बात करता है उस पे खड़ा हो जाता है बात करता है खड़ा हो जाता है चले आगे माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम मोहतरम कैसे आप ठीक हैं बात तो सुने इधर तो आए पटवारी है बड़ा सादा और बड़ा मुख्तसर जवाब सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए कि जनाब मुझे बता दे इस मुल्क का दिलेर लीडर कौन है इमरान खान कोई इसमें गैर क्यों नहीं है इमरान खान ने जो काम कर दिए ना आज तक किसी लीडर को करते नहीं देखे हमने जिस दिलेरी से उसने काम किए हैं और जिस दिलेरी से उसने अपनी गिरफ्तारी दे के और खुद जेल में बैठा और सबसे बड़ी बात यह कि आज भी अवाम उसके साथ है इतनी सख्ती के बाद भी उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं हर चीज़ हो रही है उसके बावजूद अवाम उसके साथ है इससे बड़ी सच्चाई क्या है इससे बड़ी सच्चाई क्या है मोहतरम आपका वोट इमरान खान के जी सारी जिंदगी हमारी भी इतनी उम्र हो गई है सारी जिंदगी हमने नवाज शरीफ वगैरह नून लीग वगैरह को देखा आपने नवाज शरीफ को वोट दिया पहले देख जी दिया बिल्कुल दिया और इमरान खान जब ये इसने अवाम की आंखें खोली हैं अवाम को इसने बताया कि हमारा पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है और किस वजह से जा रहा तो उसके बाद हमारा दिल फिर इमरान खान की तरफ आया मतलब आपके कहने का मतलब है शौर इमरान खान ने दिया देखिए जी गिरफ्तारियां वगैरह ये तो सब चलती हैं और चलती रहेंगी मजीद जितने ये लोग कह रहे हैं दिलेरी से कह रहे हैं डर के नहीं कह रहे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हूँ हमारी जो पैदाइश है जहाँ किसकी पैदाइश है मार भी वहीं के पैदाइश है आप इसके इलाके में भी नहीं नवाज शरीफ की बात करो आप इसके इलाके में भी चल जाए और काफी हजरात आपको इमरान खान के साथ ही नजर आएंगे क्या बात है मोहतरम बात कर रहे हैं मैं नवाज शरीफ का पक्का सपोर्टर था लेकिन जब शऊर दिया इमरान खान ने मैं इमरान खान की तरफ कन्वर्ट हो गया ऐसी है जनाब बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही अगर इस मुल्क में कानून पास हो जाए कि इमरान खान को सपोर्ट करोगे वोट डालोगे तो सदाए मौत होगी फिर भी देंगे तो भजन कितनी हो तो रही है आपको कहीं को पता ही नहीं है कहीं को तो उठा के घर से ले गए आज तक उनका पता ही नहीं है किधर है वो बंदे ठीक है वो सजाएं काट रहे हैं ना बेचारे इमरान खान की खातिर और इमरान खान किसकी खातिर सजा काट रहा बात है आप लोगों के लिए अवाम की खातिर काट रहा है आपकी खातिर भी वो काट रहा है हम सब की खातिर सजा काट रहा है ठीक है और सबको नजर आ गया किस तरीके से उसे गिरफ्तार किया और रातों रात उसे कैसे पहुंचा दिया गया आगे सारी अवाम को पता अवाम मजबूर है अवाम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर बात आपकी वोट की आ गई है तो फिर इमरान खान की वोट है हमारा इमरान खान की वोट है चाहे जो मर्जी हो जाए इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे अवाम ये कह रही है